माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज अमरूद की बात करना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नशा, क्या तंबाकू, क्या पेट, क्या दिमाग, सबके लिए अमरूद बहुत जरूरी है। और एक और चीज, अमरूद कब नहीं खाना चाहिए ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज अमरूद की बात होगी और साथ साथ एक बहुत अच्छी पेरेंटिंग टिप मैं आपको देने वाला हूँ, और आपकी राशि, आपका जन्मदिन और एक बहुत सुंदर विचार, वो तो सब रहेगा ही। अमरूद की बात शुरू करते हैं। अमरूद के अंदर विटामिन B1 बहुतायत में होता है, इसलिए अमरूद को बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कीनू से भी ज़्यादा, सेब से भी ज़्यादा विटामिन C अमरूद के अंदर होता है। इसीलिए अमरूद जो लोग नियमित रूप से खाते हैं, आप कैसे खाते हैं अभी बताऊंगा, कब नहीं खाना चाहिए जरूर सीख लीजिएगा। तो जो अमरूद खाते हैं उनके अंदर विटामिन सी की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है, उनका पेट भी बेहतर होता जाता है। इसीलिए आप बच्चों को अमरूद जरूर खिलाइए, खुद भी अमरूद जरूर खाइए। अमरूद का सीजन अब शुरू हो रहा है, अच्छा अमरूद खाइए, आपको निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। कुछ अमरूद अब विदेशी भी आने लगा है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, एक ही से साइज का होता है, लेकिन जो देसी अमरूद होता है उसके अंदर ये गुण ज़्यादा होते हैं, बेहतर तरीके से होते हैं। तो अमरूद के बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, इसके पत्तों में भी होते हैं, इसके बीजों में भी होते हैं, जो किसी व्यक्ति के अंदर नशे की आदत तक को छुड़ा सकता है। इसीलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका सेवन हम करते तो हैं लेकिन क्यों करते हैं ये नहीं पता होता, सिवाय एक बात के, अच्छा लगता है। बात कही थी बच्चों को अमरूद खिलाना चाहिए, क्यों? देखिए, इसमें आयरन होता है, इसमें कैल्शियम भी मिलता है, इसमें फॉस्फोरस भी मिलता है, इसीलिए अमरूद जो बच्चे खाते हैं उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, खास तौर से वो बच्चे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो बहुत खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उनको तो कम से कम 100 से 200 ग्राम अमरूद रोज़ाना खाना ही चाहिए। बाकी बच्चों को भी खाना चाहिए, क्योंकि मजबूत हड्डियां तो सभी बच्चों को चाहिए कि नहीं। अमरूद खाने से हड्डियां बेहतर होती हैं, हड्डी और मांस की स्थिति बड़ी संतुलित होती है और बच्चे के अंदर ताकत आती है, शक्ति आती है। और एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, अमरूद खाने से पाचन शक्ति बहुत मजबूत होती है। तो यदि आप दिन में कोई गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं तो उसके साथ या उसके तकरीबन आधे घंटे बाद आप थोड़ा सा अमरूद भी अगर खाएंगे तो वह भोजन पचाने में बहुत मदद करेगा। और यदि आपका पेट सही नहीं रहता है और सुबह नाश्ता आदि करने में आपका मन नहीं लगता है, आपका पेट बहुत सख्त हो चला है, तो फिर सुबह सुबह इतने बड़े वाले 2 अमरूद ज़रूर खा लीजिए। बरसात में हमेशा याद रखें, लेकिन अमरूद अगर खाएं तो काट कर खाएं, तो अमरूद काटिए, उसमें हल्की सी काली मिर्च डालिए, चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं, और सुबह सुबह नाश्ते में 2 अमरूद लेने से आपको बहुत लाभ होगा। एक तो पेट भरेगा, दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, पेट साफ होगा, भोजन अच्छे से पचेगा, खाना खाने में रुचि उत्पन्न होने लगेगी। तो इसीलिए आप सुबह अमरूद खाएंगे तो शरीर बहुत प्रखर होता है, चेहरे पर रौनक आती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसीलिए बच्चों को सुबह थोड़ा सा अमरूद जरूर। अमरूद की हम लोग बात कर रहे हैं, एक छोटी सी बात बताऊं, अमरूद के पत्ते चबाने से व्यक्ति के ना केवल मुंह के छाले ठीक होते हैं, जिसे स्टमेटाइटिस बोलते हैं या माउथ अल्सर बोलते हैं, यानी पेट ठीक होगा तो मुंह के छाले स्वतः ठीक होंगे। तो मुंह के छाले ठीक होते हैं, पेट ठीक होता है, और उसके साथ साथ यदि आपको तंबाकू आदि सटकने की बुरी लत लगी हुई है वह भी ठीक हो जाती है। हम बात कर रहे हैं अमरूद की। कुछ बच्चों को बड़ी अजीब सी खांसी होती है, कौं कौं
कि आवाज़ के साथ वो खांसते हैं। बड़ों को भी होती है, खांसी आसानी से जाती नहीं है, और जब खांसी होती है तो कफ जोर मारता है लेकिन कफ निकलता भी नहीं है, और ये खांसी कभी कभी तो किसी चीज़ से ठीक नहीं होती। ऐसे में क्या किया जाए? एक चीज़ तो ये देखें कि इस खांसी के साथ साथ कब्ज़ तो नहीं हो रहा कहीं, अगर हो रहा है तो क्या करना है? अमरूद के 3 पत्ते जो मुलायम वाले हैं, कोपल वाले पत्ते, वो ऐसे थोड़ा सा पान की तरह करके मुंह में रख के दांतों में दबा दबा कर चूसा करें, ठीक। दूसरी चीज़ क्या करनी है, थोड़ा सा सॉफ्ट सा अमरूद लें और उसको पहले काट लें, साफ़ कर लें, देख लें कोई उसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और उसके बाद उसको भून लें, और भूनने के बाद उसमें हल्का सा काला नमक लगा के, हल्का सा ज़ीरा का पाउडर लगा के और खा लिया करें। सुबह खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे ये जो बार बार खांसी उठने की टेंडेंसी है ये ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। वो लोग जो एक एज पर आकर अब बहुत खांसने लगे हैं, या वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में बड़ी सिगरेट वगैरह पी हैं और अब वो निकल रही है, खांसी के रूप में बुरी हालत हो जाती है, उनकी तो बहुत बुरी हालत होती है, साथ साथ घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो उन लोगों को ये उपाय करने से बहुत लाभ होगा। जो अपनी दवाई आदि करते हैं वो तो करते ही रहें, लेकिन साथ साथ यह उपाय बहुत लाभ देगा। तो अब जो अमरूद आएगा, मैं पुनः कह रहा हूँ, देसी अमरूद, साफ़ सुथरा देसी अमरूद जिसमें अंदर कीड़े वीड़े कुछ नहीं होने चाहिए, उसका अगर इस प्रकार से उपयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। एक चीज़ और, जो लोग मानसिक रूप से बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, तो खैर जो आप चिकित्सक सलाह लेते हैं वो तो ज़रूर लें, उसके साथ साथ उन्हें अमरूद खिलाने लें और वो कटर कटर करके अमरूद को खाएं। आप देखना, अमरूद खाने से मानसिक शांति मिलती है। क्यों? फास्फोरस है, आयरन है, दिमाग मजबूत होने लगता है, इसलिए मन शांत होने लगता है। अध्ययनरत विद्यार्थी, विद्यार्थी तो अध्ययनरत ही रहने चाहिए, लेकिन कुछ विद्यार्थी कम पढ़ते हैं ज़रा, जो बहुत पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते ना दिमाग एक दिन क्या होता है, फिक्स हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, समझ में नहीं आता, कोई नई चीज़ पकड़ ही नहीं पाते। अमरूद खाना शुरू करें और थोड़ा सा गहरी गहरी सांसें लें और मन को बहलाएं, और देखिएगा दिमाग काम करने लग जाएगा। देखिए, सामान्य सा फल लेकिन डायबिटीज़ वालों को भी बहुत लाभ देता है। कैसे? अमरूद का भरता बना लीजिए, जैसे बैंगन का भरता बनाते हैं वैसी अमरूद का भरता बनाइए, और रोटी से भी आप इसे खा सकते हैं, चम्मच से भी खा सकते हैं। अमरूद को भून लीजिए पहले, उसको कूट लीजिए, भरता बन गया, फिर उसमें स्वाद अनुसार आप नमक मिला दीजिए, ज़ीरा ज़रूर डालिएगा, थोड़ी सी हींग यदि बर्दाश्त कर सकते हो तो थोड़ी सी हींग डाल लीजिएगा, और उसके बाद इच्छा है तो थोड़ा सा प्याज लहसुन, मन है तो, आवश्यक नहीं है, और ये टेस्टी बहुत हो जाएगा। फिर रोटी से इसको खाइएगा, स्वाद भी, पेट भी भरेगा आपका, और साथ साथ ये शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बैलेंस कर सकता है। तो बाकी दवाई आदि तो लें, ये दवा नहीं है, लेकिन इसके खाने से बड़ा लाभ होता है, आप हल्का और स्वस्थ भी महसूस करते हैं। एक और चीज़ है, मान लीजिए किसी चीज़ से आपको गलती से ऐसा कुछ हो गया कि वो उससे नशा सा हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं? अमरूद के पत्ते ले लीजिए 4-5, उसका काढ़ा बना लीजिए और वो सिप करके पिए या पिलावें, तो उससे धीरे धीरे नशा उतरने लगता है और आप स्वस्थ महसूस करने लगते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। मान लीजिए आपको नींद बहुत आती है और पढ़ने का वक्त है, काम का वक्त है, तो क्या करें? आप अमरूद का सेवन कीजिए, और अमरूद के यदि पत्ते मिल जाएँ तो 2 पत्तों की चाय बनाकर दिन में 2-3 बार ले लीजिए। आप देखिए, इसमें चीनी नहीं डाली, इस आप देखिएगा शरीर में स्फूर्ति महसूस करेंगे। बड़ी गजब गजब की चीज़ें दी हैं भगवान जी ने हमें प्रकृति के रूप में, आप इसका स्वाद भी लीजिए और इससे स्वास्थ्य भी प्राप्त कीजिए। बच्चों का मन बहुत घबराता है, ख़ास तौर से रात में बड़े व्याकुल होने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, बेचैन होने लगते हैं।
ऐसे बच्चों को नारियल पानी दिया करें, लेकिन यदि उन्हें बहुत ठंड या कफ की शिकायत रहती है तो रात में नारियल पानी ना देके दिन में दें और ताज़ा दें, मतलब पैक्ड की जगह, मजबूरी है पैक देना तो एक अलग बात है, अन्यथा डाब का ही पानी उन्हें पिलाइएगा। धीरे धीरे उनके शरीर, उनके मन में स्ट्रेंथ आने लगेगी। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, जम के मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, कहीं बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है, यात्राओं से आपको लाभ हो रहा है। बस परेशानी जो थोड़ी सी है वो ये है कि घर के लोगों के स्वास्थ्य की वजह से आप बारंबार चिंताग्रस्त रहेंगे। इन 12 महीनों में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ख़ास तौर से दिसंबर से जून तक, वो ये कि आप नया रिश्ता जब जोड़ें तो केवल अपनी मर्जी से ना जोड़ें, अच्छे समझदार लोगों की सलाह से जोड़ें, अन्यथा वो रिश्ता आपको आगे जाकर परेशान कर देगा, ख़ास तौर से 2-2.5 वर्षों के लगभग जाकर वो परेशान कर देगा। उपाय क्या है? एक नियम बना लीजिए, रोज़ाना 1 मुट्ठी चावल निकाल कर रख दीजिए और सोमवार को उस चावल को किसी ज़रूरतमंद को दे दिया कीजिए। ये उपाय आप कर लीजिए, बुज़ुर्गों की बहुत केयर करना शुरू कीजिए, उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा, और घर में बड़ी बहन यदि रहती हैं तो रोज़ाना उन्हें प्रणाम करके फिर अपना दिन शुरू किया कीजिएगा। बड़ा आनंद रहेगा, तरक्की होगी, ऑल द बेस्ट। सुंदर बात कही थी, जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं, और जो बचाया हुआ धन है वो कमाए हुए धन के बराबर ही है, और इसलिए ऐसे लोग सदा प्रसन्न रहते हैं और उनके पास धन की कमी कभी नहीं रहती। कहने का मतलब क्या? गांधी जी कह रहे हैं, समय के अनुसार चलो और अनुशासन में रहो, पंक्चुअल रहो। चलता हूँ, आज हमने अमरूद के बहुत सारे गुणों के बारे में बात करी, और चलते चलते सिर्फ एक सलाह कि अमरूद सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना चाहिए। कभी बहुत मन कर रहा है तो थोड़ा सा एक दो टुकड़े ले लिए, लेकिन सूर्यास्त के बाद अमरूद कफकारक हो जाता है, और रात में सोने से पहले तो अमरूद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।